एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो सकते हैं सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना, दायर की अग्रिम जमानत याचिका। जी हां, कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जर्मनी से भारत पहुंचने के एक दिन पहले दायर की गई इस याचिका में 3 मामलों में जमानत मांगी गई है, जिनमें उन पर रेप के आरोप भी लगे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका ये बयान प्रज्वल द्वारा एक वीडियो बयान जारी करने के 2 दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे। सूत्रों की माने तो कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने 30 मई को म्यूनिक से बेंगलुरु के लिए वापसी की फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी। 31 मई यानी आज सुबह उनकी फ्लाइट लैंड करने की उम्मीद है। जी परमेश्वर ने कहा, प्रज्वल के खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। SIT इंतजार कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। प्रज्वल रेवन्ना हासन में हुए लोकसभा चुनाव होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे। इस मामले की जांच कर रही SIT ने CBI के जरिए इंटरपोल से उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। आपको बता दें, 18 मई को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस मामले में उनके पिता HD रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर है। 28 अप्रैल को कर्नाटक के होलेनारसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच SIT को सौंपी गई थी। उसने HD और प्रबल के खिलाफ IPC की धारा 354 यानी यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना के तहत केस दर्ज किया था। कर्नाटक पुलिस की माने तो HD और प्रज्वल रेवन्ना की शिकार लड़कियों और महिलाओं में ज्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी। इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों की कर्मचारी शामिल हैं। वो उनको अपनी हवस का शिकार बना लेते थे। रेवन्ना परिवार में रसोइये का काम करने वाली एक महिला ने खुलासा किया था कि HD रेवन्ना अपनी पत्नी के घर के बाहर चले जाने के बाद उन्हें स्टोर रूम में बुलाते थे, उनको गलत तरीके से छूते थे, उनकी साड़ी का पिन निकालकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे। इतना ही नहीं, प्रज्वल उसकी बेटी को फोन करके अश्लील बातें किया करते थे। इससे तंग आकर उसने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया। पीड़िता की बेटी ने SIT को बताया था, प्रज्वल मुझे फोन करता था और अपने कपड़े उतारने के लिए कहता था। वो मेरी माँ के मोबाइल पर फोन करता था और मुझे वीडियो कॉल उठाने के लिए मजबूर करता था। जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे और मेरी माँ को धमकी दी। जब हमारे परिवार को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने हमारा साथ दिया और तब हमने शिकायत दर्ज कराई। इन खुलासों ने पूरी देश को झकझोर दिया था। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।